हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर से अलजेब्रा का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आज हम लोग अलजेब्रा का नेक्स्ट टाइप का वीडियो को हम लोग देखेंगे। अलजेब्रा का बाकी टाइप का वीडियो जिसने नहीं देखा है वो चैनल में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया या वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का कुछ नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का टाइप 16 का क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चंस क्या है कि अगर ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 इक्वल टू 8 दिया गया हो और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया गया हो तो निकालना क्या है, निकालना है ए इंटू बी का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए, ये सवाल जो है वो अक्सर SSC CGL LDC MTS किसी में भी ये सवाल अक्सर पूछते रहता है। तो ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इस सवालों को दोनों तरीके से सॉल्व करने के लिए आप सीख लें, ताकि अगर आप सपोज अगर आप किसी भी एक मेथड से अगर भूल जाए तो सेकंड मेथड आप यूज करके कहीं पर भी आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस सवाल को हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर इस सवाल का एक आपको हम शॉर्ट तरीका बताएंगे ताकि आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन कॉपी लेकर के। तो देखिए, सबसे पहले सवालों को हम लोग उतारते हैं। सवाल क्या दिया, सवाल दिया गया है कि ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 इक्वल टू कितना 8 है, ठीक है। और एक चीज क्या दिया गया, एक चीज दिया गया कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ये दिया गया है। तो देखिए, दोनों टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां से इसको रिमूव करेंगे, यहां से इसको भगाएंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ए पे पावर 4 प्लस ये वाला उतारेंगे बी पे पावर 4 और इक्वल टू क्या होगा 8 होगा, और ये वाला क्या होगा यहां से भाग जाएगा तो कितना होगा प्लस, इधर आके क्या होगा माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। उसी प्रकार इस साइड में भी करेंगे हम लोग कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस क्या होगा यहाँ पे ए भी हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म को लाने के लिए यहां पे क्या करना होगा, यही वाला टर्म लाने के लिए यहां पे अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये वाला टर्म क्या होगा आ जाएगा, यानी कि हम इसको इक्वेशन एक मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे यहां पे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों साइड क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे। अब जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे देख लीजिए ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टोटल पे क्या स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 4 माइनस क्या ए बी, इस पे क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये होगा ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 प्लस क्या होगा 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में क्या हुआ ये टूट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, इसी में हम लोग क्या किए इसको फैक्टर किए। तो इसका भी यहाँ पे क्या हुआ ए माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको फैक्टर करेंगे, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माने कितना 16 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 ए बी, 2 ए कौन है 4, तो 4 टू जाएगा 8, और यहाँ पे ये बी कौन है ए बी, तो कितना हो जाएगा 8 ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है ये बी, यानी कि हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक जैसे वाले टर्म को एक जगह उसको उठा करके लाएंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिख रहा है कि ये इसका मान दिया गया था, यानी कि ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 का मान दिया है कितना 8 माइनस ए स्क्वायर बी, यानी कि इक्वेशन 1 को, यानी कि इक्वेशन 1 को लेकर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट रख देते हैं, इसका मान कितना है ये है 8 माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस क्या है 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, और यहां पर भी देखिए ये भी क्या है, ये भी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, तो इसको इधर ही रहने दीजिए, बाद में क्या करें इसको काट देंगे हम। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा माइनस कितना होगा 8 ए बी हो जाएगा प्लस कितना होगा प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से इसको माइनस करेंगे, और यहां पे कैसे लिखे तो हम लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 से मतलब एक इक्वेशन को यहाँ पे क्या पुट किए हम लोग। अब ध्यान दीजिए कि इसमें माइनस होगा एक ही जैसा है, यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, ये प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा, दो में एक जगह कितना एक होगा, लेकिन साइन क्या होगा प्लस, क्यों, क्योंकि साइन का मतलब क्या होता है कि जो डिजिट ज्यादा होता है और उस डिजिट का जो साइन होता है वही साइन को क्या करते हैं हम लोग वहां पे पुट करते हैं, यानी कि 2 और 1 में साइन 2 है और 2 का साइन क्या है प्लस है, तो यहाँ पे आंसर में क्या होगा प्लस क्या ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस साइड में क्या होगा, इस साइड में होगा 16 माइनस कितना होगा 8 ए बी हो जाएगा प्लस कितना होगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात गौर कीजिए यहाँ पे कि एक ही जैसा टर्म, हम लोग जानते हैं कि जब एक ही जैसा टर्म इक्वल के दोनों साइड अगर रहता है तो वो क्या होता कट जाता है, ठीक है, यानी कि अगर हम ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर जो है यहां पर भी एक ही जैसा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे काट देते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, फाइनली बचेगा ये 8
ठीक है। अब यहाँ पे कितना, ये 16 है, इसको उठा के इधर ले आइए तो कितना होगा, माइनस 16 हो जाएगा। और इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, वो होगा माइनस 8 ये बी हो जाएगा। उसके बाद इसमें माइनस करेंगे कितना होगा, वो होगा माइनस 8 और यहाँ पे कितना होगा, वो हो जाएगा माइनस 8 ये बी। अब ये माइनस 8 माइनस ये कट गया तो वहां कितना बार में कटा, वन बार में। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ये इंटू बी इक्वल टू मान कितना आया, वन आया। यानी कि यही तो पूछा था सवाल में, ये इंटू बी का मान बताइए तो कितना आएगा, वो आएगा 1। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो हम लोग देखे क्या, ये देखे हम लोग बेसिक मेथड से। अब हम लोग यही सवाल को एग्जाम में कैसे अप्रोच करें, इस मेथड से हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड इसका। तो चलिए इसका सेकंड मेथड देखते हैं, मतलब एग्जाम अप्रोच मेथड। तो सेकंड मेथड में हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहली बात तो देखिए सवाल क्या दिया गया था। सवाल में दिया गया था ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या बी पे पावर 4 इक्वल टू कितना 8 दिया था। ठीक है, और एक चीज दिया था, वो क्या दिया था, वो दिया था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया था, 4 दिया था। तो एक चीज अगर आप जानते होंगे कि अगर हम इसको अगर फैक्टराइज करेंगे ना दो भागों में, तो इस टर्म में मेरा टूट जाएगा। कौन सा टर्म है, एक टूटेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दूसरा टूटेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 8 दिया हुआ था यहाँ पे। देखिए अगर इसको फैक्टराइज करिएगा ना तो इस फॉर्म में क्या हुआ, वो टूट जाएगा। आप एक बार घर में जाकर के सॉल्व करके इसको आप देख सकते हैं, तो फाइनली फैक्टराइज करने के बाद ये आ जाएगा। कैसे करते हैं फैक्टराइज, ये आपको हिंट देते हैं कि एक बार इससे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले टर्म से सबको मल्टीप्लाई करेंगे और सबको जोड़ घटा के फाइनली इतना आ जाएगा। तो आप एक घर में करके एक बार चेक कर लें, ठीक है। तो आपको हम एक शॉर्ट तरीका बता दिए कि इस तरह का अगर सवाल दिया हुआ रहे और उसमें से किसी एक का वैल्यू दिया हुआ हो तो उसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, एक वाला तो दिया हुआ रहेगा, सेकंड वाला जो होगा उसी का माइनस का स्वरूप बन जाएगा वो, ठीक है। यानी कि अगर इसको फैक्टराइज करने के बाद ये दो टर्म आया, इसका मान दिया था कितना, इसका मान 8 दिया था। तो एक बात यहां पे देखिए कि इसका वैल्यू दिया गया था, इसका वैल्यू दिया था कितना, यहां पे 4 दिया था कितने, तो इसी 4 को हम क्या करेंगे इसके जगह पे रख देंगे। तो इसके जगह पर जैसे ही 4 रखेंगे इंटू क्या होगा, ये वाला टर्म निकलेगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 8 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अब देखिए कि ये 4 से ये 8 को हम काट सकते हैं दो बार में, काट सकते हैं कि नहीं। तो फाइनली क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा। तो देखिए एक तो ये था, अब पहले से एक टर्म ये था, इसको इक्वेशन 1 हम यहाँ पे मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या 2 मान लेते हैं। तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व 1 एंड 2, दोनों को जब सॉल्व करें तो क्या हुआ, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी क्या बी स्क्वायर, वो देख क्या होगा, ये हुआ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर, इसका मान दिया था 4 और इसका मान दिया था कितना 2। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमको ए बी चाहिए ना, तो ए बी चाहने के लिए क्या करेंगे, इसको ये प्लस है ये माइनस बना देंगे, ये माइनस ये प्लस बना देंगे, ये प्लस और ये माइनस बना देंगे, सबका साइन क्या करेंगे चेंज कर देंगे। तो जैसे ही सबका, और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, जैसे ही सबका साइन चेंज होगा तो बाकी सब कट जाएगा, यानी कि ये प्लस माइनस और ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, और ये प्लस और ये प्लस कितना होगा, ये भी कितना हो जाएगा 2, ये भी बनेगा। यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये 2 क्या होगा कट जाएगा एक बार में, यानी कि ये इंटू बी का मान कितना आया 1 आया। तो देखिये फ्रेंड्स, यही आंसर तो निकाले थे हम लोग बेसिक मेथड से। तो सबसे आसान मेथड क्या होगा, यही मेथड होगा आप एग्जाम में अगर इस मेथड का यूज करते हैं तो। चलिए इसी सवाल को एक दूसरा सवाल हम लोग चेक करते हैं इसी मेथड से बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे इसका दूसरा सवाल है इसी मेथड से, एक सवाल दिया गया है कि ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 इक्वल टू कितना दिया है, 12 दिया है, और एक का मान दिया है कितना, एक का मान दिया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का 4 दिया है। यानी कि अभी जस्ट बताए कि अगर इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं तो क्या क्या निकलेगा, एक निकलेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा क्या निकलेगा, दूसरा निकलेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होगा बी स्क्वायर बनेगा इक्वल टू कितना 12, ये मान दिया गया था। यानी कि ध्यान दीजिए इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया कितना 4 दिया है, यानी कि इसके नीचे हम लिख सकते हैं 4, यानी कि हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू कितना 4 इक्वल टू कितना दिया है 12, तो ये दोनों कट जाएगा कितना बार में 3 बार में। तो हम यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 3 लिख सकते हैं, और दूसरा का वैल्यू दिया था कितना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर
इक्वल टू कितना 4 दिया है। और फाइनली पूछा क्या था, पूछा था ये इंटू बी का, तो फिर वही काम करेंगे, ये प्लस है ये माइनस कर देंगे, ये माइनस है ये प्लस कर देंगे, ये प्लस है माइनस कर देंगे, और ये प्लस है माइनस कर देंगे, तो बाकी प्लस माइनस वाला कट जाएगा, हर एक जैसे टर्म वाले क्या जुट जाएगा, यानी कि प्लस प्लस क्या एड हो जाएगा, यानी कि 1 1 कितना 2 2 कितना ए बी हो जाएगा, यहाँ पे कितना माइनस और प्लस माइनस ये कितना होगा माइनस 1 हो जाएगा, तो ए बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दो यहां से भगाएंगे, तो यहां से दो भाग जाएगा कितना होगा वो ए बी इक्वल टू कितना होगा माइनस 1/2 होगा, तो ये क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस टाइप का सवाल आप समझ गए होंगे। देखिए अब हम लोग अलजेब्रा का टाइप 17 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर एक सवाल दिया गया कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो और x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 इक्वल टू माइनस 1 हो, तो निकालना क्या है, निकालना है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2xy निकालना है। तो देखिए सवालों को सॉल्व करने के लिए यहां से सवाल देखने के बाद पता चल जा रहा है कि इस टर्म को अगर हम दो बार स्क्वायरिंग वाला फॉर्म लाते हैं तो ये टर्म आ जाता है कैसे, तो देखिए ये है एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 1 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना 2xy प्लस कितना 1 हो जाएगा, लेकिन यहां से देखिए कि अगर हम इसको यहां से रिमूव करेंगे भगाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, क्यों भगा रहे हैं, क्योंकि हमको इस वाले टर्म को रखना है और इस वाले टर्म को दो बार मल्टीप्लाई करके हम लोग पावर 4 लाना है, तो इसीलिए क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस कितना होगा 2xy, इसको यहां से रिमूव कर दिए। अब देखिए अब फिर से इसको अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये वाला टर्म निकल जाएगा, यानी कि फिर वही वाला काम करेंगे कि अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम लोग, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो फिर इसको स्क्वायरिंग करने के बाद क्या होगा, ये होगा एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 प्लस क्या होगा 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद इधर क्या होगा, इधर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको फैक्टर करेंगे तो ये कितना होगा 1 होगा, 1 होगा, उसके बाद क्या होगा माइनस माइनस 2ab यानी कि कितना होगा 4xy हो जाएगा, प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, बी कौन है ये, यानी कि कितना होगा 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि यहां पे क्या करेंगे, एक वाले टर्म को हम लोग एक जगह उठा करके लाएंगे, दूसरी बात देखिए इसका वैल्यू दिया गया है, इसका मान दिया गया है कितना, इसका मान दिया है माइनस 1, तो इसके नीचे हम रख सकते हैं माइनस 1 रख सकते हैं डायरेक्ट, उसके बाद प्लस क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको उठा करके ले आइए, क्यों, क्योंकि एक ही जैसा वाला टर्म है ये, तो ये कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 4x इंटू वाई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा ये माइनस 1 होगा, उसके बाद ये माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, और 4 में 2 जगह क्या होगा माइनस 2 क्योंकि 4 ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा इक्वल टू होगा 1 माइनस 4x इंटू वाई हो जाएगा, हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए कि ये 1 है, इसको उठा करके क्या करेंगे इधर ले आएंगे, क्या होगा माइनस 1, फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस 1 हो जाएगा, फिर ये क्या होगा माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या होगा इधर का माइनस 4xy हो जाएगा, ये दोनों ऐड करने के बाद कितना होगा होगा माइनस 2 हो जाएगा, कितना होगा माइनस 2 होगा, और यहाँ पे कितना होगा माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या होगा इधर का माइनस 4xy ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कि ये माइनस माइनस क्या है कॉमन है, तो हम क्या करेंगे माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे होगा 1 प्लस कितना होगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे होगा माइनस 4x इंटू वाई हो जाएगा, तो ये माइनस 2 से ये माइनस 4 कटेगा कितना होगा 2 बार में कट जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इधर लिख सकते हैं 2xy लिख सकते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो यानी कि अगर इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या होगा वो होगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और इस 1 को क्या करेंगे इधर भगा देंगे तो कितना होगा माइनस 1 हो जाएगा, यानी किसी का तो मान पूछा था सवाल में, यानी किसका मान कितना हो जाएगा वो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना लंबा मेथड किए, ठीक है, आप इसको जल्दी से भी बनाने का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सवाल आप समझ गए, थोड़ा सा ये अच्छा सवाल भी है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी है, थोड़ा सा ये लेंदी हो सकता है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप इसको जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले टाइप के सवाल, हम लोग अलजेब्रा का टाइप 18 सवाल को देखते हैं। टाइप 18 में सवाल दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 3 दिया हो और दिया हो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू कितना 2 दिया हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6 दिया हो, निकालना हो x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू व्हाट। तो देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बात तो क्या है, जो दिया गया उसको पहले उतार लीजिए, क्या दिया गया वो दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है।
अब दूसरी ओर देख लीजिए, एक दिया है सवाल 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड, या दूसरी ओर दिया है 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड इक्वल टू कितना दिया है, वो दिया है 2। अगर हम इस सवाल को एलसीएम ले लेते हैं तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड बनेगा इसका एलसीएम, एक्स वाई और जेड बनेगा। तो जैसे ही एक्स एक्स कटेगा तो क्या बनेगा फाइनली, वो वाई जेड बनेगा, फिर वाई से कटेगा तो क्या बनेगा एक्स जेड बनेगा, और जेड से कटेगा तो वो एक्स वाई बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा ये 2 बनेगा। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को अगर फैक्टराइज करते हैं ना तो ये वाला टर्म हमको दिख जाएगा। तो ये वाला टर्म लाने के लिए इसको हम लोग एलसीएम से पहले सॉल्व करना होगा। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, ये क्रॉस क्रॉस गुना हो जाएगा तो क्या होगा, वो होगा 2x इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा। ये इसको हम लोग एक इक्वेशन मान करके इसको रख देते हैं साइड में। अब चलिए दूसरी ओर देखते हैं। दूसरी ओर सवाल में दिया गया था कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 3 है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो क्या बनेगा, वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई इंटू वाई जेड प्लस जेड या एक्स, ये बनेगा इक्वल टू कितना बनेगा, इक्वल टू 9 बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा। ये है, अब देखिए ध्यान से कि इसका मान तो दिया हुआ था, इसका मान दिया हुआ था कितना, इसका मान दिया था 6 दिया था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे उतार देंगे 6 प्लस 2। फिर इसका मान भी दिया था, इसका मान कितना दिया था, इसका मान दिया था 2xyz, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे 2xyz इक्वल टू यहाँ पे कितना 9 है, 9 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहां से हटा देंगे, इसको यहां से जैसे ही हटाएंगे तो वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा 2 इंटू यहाँ पे 2xyz, यहाँ पे कितना होगा 9 माइनस कितना 6 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इंटू करेंगे कितना होगा, 2 × 2 = 4x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, ये माइनस होने के बाद 3 बचेगा। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए था एक्स इंटू वाई इंटू जेड चाहिए था, तो ये 4 क्या होगा यहाँ से भाग जाएगा, यानी कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू क्या होगा, वो बनेगा 3/4। तो ये क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सवाल को आप समझ गए होंगे। सवाल को क्या किए, सवाल में जो दिया गया था उसको एक साइड में लिखे, और जो एलसीएम से रिलेटेड दिया गया पॉइंट था उसको एक साइड में लिखे, और उसका वैल्यू फाइंड कर लिए। कैसे, तो सब एलसीएम लेने के बाद ये वाला टर्म आया, और ये वाला टर्म आने के बाद क्या किया हम लोग, एक इक्वेशन मान लिए, ठीक। और इक्वेशन मानने के बाद क्या कि फिर वापस हम लोग पीछे गए, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला को क्या किया हम लोग, उसको फैक्टराइज कर दिए, और जो जिस जगह का वैल्यू दिया गया था उसको क्या किया वहां पे पुट कर दिए, तो फिर वहां से हम लोग आसानी से निकाल लिए। तो आई होप सवाल समझ गए होंगे। अगर सवाल अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, और आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करें दोस्तों के पास। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अलजेब्रा कुछ अलग टाइप के वीडियो को लेकर के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।